बीजेपी से दुश्मनी बुरी हो या ना हो, पर दोस्ती बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। इस बात का एहसास पहले से शिवसेना, अकाली दल, पीडीपी और जेडीयू को तो था ही, अब एलजेपी को भी हो चला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लंबे समय तक साथ रहने के बावजूद बीजेपी ने एलजेपी को चाय में गिरी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है। आपको तो याद ही होगा, टीवी पर एक विज्ञापन आता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, मगर बीजेपी का सिद्धांत थोड़ा अलग दिख रहा है। मानो पार्टी ने तय कर लिया है कि हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, विश्वास नहीं। अब आते हैं असल मुद्दे पर। लोक जनशक्ति पार्टी के संरक्षक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा की सीट को भाजपा एलजेपी को देने के मूड में नहीं दिख रही है। जेडीयू ने बीजेपी से दो टूक कह दिया है कि एलजेपी को सीट किसी कीमत पर नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि यह सीट बीजेपी के खाते में जाएगी और बिहार के अन्य सत्ताधारी दल समर्थन करेंगे। एलजेपी के खिलाफ जेडीयू की इस तलखी के पीछे वजह है नीतीश और चिराग के बीच अदावत। रामविलास पासवान के निधन के बाद राज्यसभा की इस सीट पर चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी का दावा होने के बावजूद जेडीयू की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी ने एलजेपी को किनारे लगाने का मन बना लिया है। हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इस कारण नीतीश कुमार की पार्टी मात्र 43 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। चिराग ने बगावत कर नीतीश को वह जख्म दिया है जो शायद ही कभी भरेगा। एक तरह से कहे तो चिराग ने नीतीश के मंसूबे की लंका लगा दी हो। दरअसल पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुए राज्यसभा की सीट से चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजना चाहते थे। जैसे ही ये बात सामने आई, नीतीश के कुनबे ने बीजेपी को साफ कह दिया कि चिराग की पार्टी को इस सीट से चलता करो। हालांकि इन चर्चों के बीच जेडीयू के नेताओं ने बीजेपी के सामने अपनी राय रख दी है। नाम न बताने की शर्त पर जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमारी पार्टी किसी भी कीमत पर एलजेपी प्रत्याशी का समर्थन नहीं करेगी। बीजेपी ये अच्छे से जानती है कि 243 सदस्य बिहार विधानसभा में 125 सीटों के साथ एनडीए सरकार चलाने के लिए जेडीयू कितनी महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में बीजेपी नीतीश कुमार को नाराज करने का जोखिम नहीं लेना चाहती है। पिछले मार्च में हुए राज्यसभा के लिए चुनाव में बिहार कोटे की 5 सीटों में से एनडीए के खाते में 3 सीट आई थी। जेडीयू को इसमें से 2 और बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिली थी। ऐसे में पूरी संभावना है कि इस बार ये सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। जेडीयू की आपत्ति अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी भी यह सीट एलजेपी को देना नहीं चाहती है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद बिहार की यह राज्यसभा सीट खाली हुई थी। बिहार बीजेपी के नेताओं का कहना है कि पहले से ही हमारी सीट रही है। लोकसभा चुनाव के समय तय हुए फॉर्मूले के मुताबिक हमने दिवंगत रामविलास जी को यह सीट दी थी। नीतीश के इनकार करने के बाद बीजेपी अब एलजेपी के साथ दोस्ती में दरार तक डालने को तैयार दिख रही है। इस बार भी बीजेपी अपने सिद्धांतों से समझौता करती नहीं दिख रही है, क्योंकि पार्टी का सिद्धांत ही है किसी भी कीमत पर राज करना और कुर्सी को अपने पाले में बनाए रखना। बीजेपी के राजनीति का यह अंदाज एक चेतावनी है उन पार्टियों के लिए जो मोदी और शाह की संगत में अपने वजूद को मजबूत करने का मंसूबा पाले बैठे हैं। उपेंद्र कुमार, NBC 24, पटना। NBC 24, सच की ताकत।